हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? माता रानी सदा आपको कुशल रखे। जय माता दी। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान यंत्र से हनुमान लॉकेट कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, हनुमान लॉकेट यानी हनुमान ताबीज के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, अगर यह आपको प्रैक्टिकल बनाना आ गया तो समझ लेना कि आपके कार्य भी अपने आप सफल होने लग जाएंगे, क्योंकि आप फिर इसे बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी देखिए, मेरे पास जो चीज़ें रखी हैं उनमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले भोजपत्र पर इस प्रकार का आप यंत्र तैयार कर लें। बस दोस्तों, यह मंत्र और बीच में ये मंत्र लिख दें, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। दोस्तों, यह भोजपत्र आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद ये जो देख रहे हैं, ये हनुमान जी के ऊपर जो चढ़ाया जाता है चोला, तो उसके ऊपर सिंदूर लगा रहता है। दोस्तों, बस थोड़ा सिंदूर ले आए आप वहाँ से, और इसमें थोड़ा सिंदूर अपनी उंगली के लगा करके और इस यंत्र पर जरा सा लगाते। दोस्तों, यहाँ तक का आपका कार्य बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इस यंत्र को इस प्रकार से मोड़ करके फोल्ड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमने इस यंत्र को इस ताबीज के अंदर डालना है। ये ताबीज दोस्तों चांदी का होता है। वैसे आप दूसरी धातु में भी इसे डाल सकते हैं, पर इसमें ये अच्छा काम करता है। हम इसे इस प्रकार से अच्छी प्रकार से फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों, ऐसा करने के पश्चात आपने करना क्या है, अब जो वस्तुएं आप हमारे इस टेबल पर मेज पर देख रहे हैं, आपने करना क्या है कि इस ताबीज के अंदर, इसको बोलते हैं दोस्तों सियार सुई, आपको ये बाजार में सियार सुई के नाम से उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आपको सियार सुई के नाम से ये उपलब्ध ना मिले, तो आप कोई भी छोटी सुई ले लेना और उससे कट करके और जो ताबीज में आ जाए वो डाल लेना दोस्तों, वो भी काम करेगी। और ये मिल जाए सियार सुई तो अति उत्तम है, आप इसको इसमें डाल दो। दो सियार सुई दोस्तों आपने इसमें डाल देनी है। दोस्तों, इनको बोलते हैं सफ़ेद चर्मक। इस चर्मक को नाम से आप सोच रहे होंगे कि ये सफ़ेद चर्मक हमारी समझ से बाहर है। इसको देहाती भाषा में चिरमटी भी कहा जाता है। आप बाज़ार में चर्मक या चिरमटी के नाम से मांगेंगे तो यह आपको मिल जाएगी। इसे सफ़ेद चर्मक बोलते हैं। दो ले लीजिए और दो इसमें आप डाल दीजिए। बस दोस्तों, इसको बोलते हैं लाल चर्मक यानी लाल चिरमटी। इसमें भी आप दो पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, ये डालने के बाद आपने सिर्फ ये काली मिर्च है दोस्तों, ये दो काली मिर्च आप इसमें से लेंगे और दो काली मिर्च इसमें डाल देंगे। दोस्तों, इसको बोलते हैं राई। हर घर में उपलब्ध होती है, चाहे दो चार दाने ही ले लीजिए और इसके अंदर इस प्रकार से डाल दीजिए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, ये जो यंत्र है, इस यंत्र को हमने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया है, और इस यंत्र को आपने अब इस ताबीज के अंदर डालना है। दोस्तों, इस ताबीज के अंदर आप इस यंत्र को भली प्रकार से इसमें डाल करके दोस्तों ये ताबीज में भली प्रकार से आ जाएगा। दोस्तों, अब ये इस ताबीज में आने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इस ताबीज को आपने बंद कर देना है। अब ये ताबीज
जैसे ही बंद हो जाएगा तब आपने इससे आगे क्या करना है। दोस्तों बस अब इससे आगे की विधि मैं आपको समझा देता हूँ। ये ताबीज आपका, जिसको हम हनुमान लॉकेट कहते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको यहाँ पर किसी भी अच्छी प्रकार से कोई चिपकने वाली, जो जिसको बोलते हैं फेविकोल वगैरह या और भी दूसरी चीज़ें पेस्ट करने की आती होंगी, इसमें चिपक जाता है, ये आराम से चिपक जाएगा। दोस्तों ये हमारा ताबीज जो है हनुमान लॉकेट तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, जैसे हमने काला धागा तैयार करने की विधि बताई थी, इसी प्रकार से आप लाल धागा तैयार कर सकते हैं। और लाल धागा आप ना भी तैयार कर सकते हो तो सिर्फ लाल धागा आप इसके अंदर, ये दो छिद्र हैं इसके अंदर डाल दीजिए। लाल धागा रेशमी या सूती, थोड़ा मोटा अच्छा आता है जो आपको, और इसमें डाल सकते हैं। इसमें डालने के पश्चात दोस्तों आपने इसका पूजन करना है, जैसे कि हम किसी भी देव का पूजन करते हैं। हम इस पर चार बार छींटे लगाते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं, फिर अपना इस पर थोड़ा रोली या सिंदूर लगाते हैं, और पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दो, थोड़ा मिष्ठान हो मिष्ठान चढ़ा दो। ये भारी आपने चढ़ाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसकी हम 5000 मंत्रों से संकल्प लेकर के और इसकी पूजा करते हैं। मतलब तो संकल्प लेना भी आपको आता है, और 5000 मंत्र की 50 मालाएं होती हैं, और मंत्र आपको पता ही है, इसके अंदर भी वैसे डाला हुआ है, और मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बस दोस्तों अगर आप इतना कर लोगे तो अगले दिन आपने इन्हीं मंत्रों से हवन करना है, और जब हवन करोगे तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट के आगे स्वाहा लगा देना है, और अपनी सामग्री और घी की आहुति देते चले जाना है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से हवन करके और इसमें धागा जो डाल लोगे तो उसके ऊपर से आपने 21 बार घुमा लेना है हवन के ऊपर से धागे समेत। इस लॉकेट को दोस्तों ये धारण करने के लिए हनुमान का जो लॉकेट तैयार होगा, आप कहेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी का कोई काम अटका हुआ हो, या हो मांगलिक दोष, या किसी भी प्रकार से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, या हो धन की कमी, या बाहर से कोई भी ऐसी बाधा जो किसी का किया कराया हो ठीक नहीं हो रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन हो, दोस्तों आप देखेंगे कि जिसके गले में इसको पहना देंगे, इसका चमत्कार आपके सामने 7 दिन के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम छोटी छोटी इस प्रकार की टिप्स आपको समय समय पर देते रहते हैं। आप इसे बनाइए, स्वयं बनाइए और धारण कीजिए। यदि नहीं बन सकता है किसी कारणवश, तो फिर आप हमें फोन पर इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा है दोस्तों आपको यह प्रोग्राम पसंद जरूर आता होगा, तो फिर इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।